वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सिख इतिहास वाल झाती मारीे तां पता चलता है कि पोह दसंबर महीना शहादतां नाल भरिया महीना है। आनंदपुर तो लैके माछीवाड़े दे सफर तक अपना नवेकला इतिहास समोई बैठा है। इस समय दौरान जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी का आनंदपुर किला छड़ना अते परिवार विछोड़े दी दास्तान, गुरु साहिबां दे वड्डे फरजंदां दा चमकौर दी जंग विच शहीद होना अते छोटे साहिबजादियां दा सरहंद दीआं नीहां विच चिणे जाणा, माता गुजरी जी दी शहादत तों इलावा अनेकां अजिहे मरजीवड़े सिंह सूरमे बीबियां दा अहम योगदान रिहा है जिन्हां ने धर्म दी खातर अपना बलिदान दे दिता। जिथे बीबी हरशरण कौर ने चमकौर दी जंग विच शहीद होए सिंघां दे पवित्र शरीरां दा अपनी मौत दी परवाह कीते बिना संस्कार कीता, उत्थे ही अज असी अजिहे एक होर सिदकी सिख बारे जाणांगे जिसने शहीद होए सिंघां दी विपोती वाले स्थान नूं लभ के गुरद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब दी उसारी नूं मुकम्मल करवाया। गुरद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब श्री चमकौर साहिब दे पवित्र स्थान दी खोज अते खोज करन वाले सिदकी सिख दी अरदास तो पहला एक संखेप शुरुआत। गुरद्वारा कतलगढ़ साहिब श्री चमकौर साहिब दे दर्शन करन समय सामने मुख द्वार उपर जोगी अल्लाह यार खां दे लिखे हुए शब्द इस अस्थान दी इतिहासिक महत्ता नूं बाखूबी बयान करते हैं। बस एक हिंद में तीरथ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। चमकौर साहिब दी धरती उपर होई संसार दे इतिहास दी सब तो असामी अते एक पासड़ जंग साका चमकौर साहिब दे इतिहास नूं दर्शाउंदी यादगार गुरद्वारा कतलगढ़ साहिब दे होंद विच आउण दी गाथा भी सिख इतिहास दा एक विस्मादी पन्ना है। साका चमकौर साहिब दा इतिहासिक स्थान बहुत लंबा समा गुप्त ही रहा। सरदार करम सिंह हिस्टोरियन वल्लों लिखत पुस्तक बहुमुल्ले इतिहासिक लेख विच इस संबंधी वेरवा दर्ज है। चमकौर साहिब दी जंग दे शहीदां दी कतार विच जा खड़ी होण वाली बीबी शरण कौर, जो सारे शहीदां दे पवित्र शरीरां नूं इकट्ठा करके उहनां दा संस्कार करदी करदी आप भी उत्थे ही शहीद हो गई सी। संस्कार उपरंत उस भागी ते पवित्र राख किसे गुरमुख प्रेमी ने इकट्ठी करके जमीन विच टोआ पुट के उत्थे ही दब दित्ती सी। इस पवित्र अस्थान दी खोज एक सिदकी सिख सरदार दयाल सिंह जी रईस वासी पिंड बेला जिला रोपड़ ने कीती। सरदार दयाल सिंह ने हर रोज़ अमृत वेले इशनान नितनेम करके श्री चमकौर साहिब आके अपने कोलों माया खर्च के पुटाई करवा करवा के शहीदां दी विपूती वाले स्थान नूं लभ्या। फिर अपने खर्चे ते अपनी निगरानी हेठ इमारती समान इकत्र करके मिस्त्रियां ते मजदूरां दीआं नित प्रति दिहाड़ियां भर के इस पवित्र अस्थान ते पहली उसारी नूं मुकम्मल करवाया। इस अस्थान ते बने धर्म स्थान की आरंभता वाले दिन संगत ने सरदार जी नूं उनां दी सेवा बदले सिरोपाओ देण दी पेशकश कीती, जो उन्होंने निम्रता सहित अस्वीकार कर दिती। समाप्ति उपर ग्रंथी सिंह जदों अरदास करन लई खड़ा होया तां सरदार दयाल सिंह रईस जी ने अरदासीए दे कन्न विच कुछ बेनती कीती। ग्रंथी सिंह ठठंबर गया ते अजिही अरदास करन तों मना कर दिता। सरदार दयाल सिंह ने उठ के आप गल विच पल्ला पा के अरदास कीती। ये वो हैरानीजनक शब्द सन जिन्हां करके ग्रंथी सिंह नूं अरदास करन दी हिम्मत नहीं सी पई। शहीदां दे सरताज चोजी प्रीतम कलगियां वालिया, मेरी कोई औलाद ना होवे, मेरा दयाल सिंह दा वंश नास हो जावे। ये अरदास सुन के संगत हैरान हो गई। संगत दे नेत्रां विच्चों हंजुआं दा दरिया बह तुरिया। संगत वल्लों अरदास दी ऐसी हैरानीजनक मंग बारे पुछण ते सरदार जी ने गरीबड़े जहे अंदाज विच जवाब दिता, गुरमुखो
ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਤਦ ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜਤਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਣਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ, ਅਸਥਾਨ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀਆਂ, ਧੰਨ ਤੂੰ ਅਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ।